विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। इस वीडियो में छठे अध्याय का 19वां श्लोक, 18 श्लोक हो गए थे, क्या है? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यानी जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक में कोई हलचल नहीं होती, वही उपमा आत्मयोग का अभ्यास करने वाले संयत चित्त योगी के चित्त की कही गई है। योगी तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हठ योगी, राजयोगी, भक्ति योगी, लय योगी, सांख्य योगी और ज्ञान योगी इत्यादि, परंतु यहाँ ब्रह्माभ्यास में तत्पर योगी के विषय में कहा जा रहा है। जब उसके चित्त की चिन्मात्र वृत्ति उदित होती है तो उसका चित्त विषयों से चलायमान नहीं होता। जो ऐसा योगारूढ़ महापुरुष है वो स्वयं ही देखने वाला है, स्वयं ही दिखने वाला है, मतलब देखने वाला भी है और दिखने वाला भी है और अपने आप को ही देख रहा है। वो परमानंद में मग्न है, ऐसे महापुरुष का लक्षण उसको अगले श्लोक में बताएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो ये बात कही है, यथा दीपो है ना, मतलब अब जैसे बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि क्या है, मान लीजिए यहाँ ये बात समझने के लिए कहते हैं कि जैसे वायुहीन स्थान पर है ना दिया रखते हो ना, दिया तो उसकी लौ डावाडोल नहीं होती। अगर हवा नहीं चल रही, बिल्कुल शांत हवा में दिया रखो तो उसकी लौ डावाडोल नहीं होती, वैसे ही युक्त का चित्त होता है। यथा दीपो निवतस्थो नेंगते, मतलब दिया बत्ती को खा रहा है, तेल को खा रहा है, पर नेंगते चंचल नहीं हो रहा है और बुझ भी नहीं रहा है। मांडुकारिका में बोला है क्या, यदा अनालीयते चित्तम नचा विक्षिप्यते पुनः अनियंगनम अनाभासम संपन्नम ब्रह्म तत्य तदा। मतलब देखो जितने भी आचार्य हैं उनको यदि हम उनका नाम लेकर कहें कि जो आप हैं वही हम हैं, तो हमसे आचार्य और आचार्य के अनुयायी सबके सब नाराज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक भगवान शंकराचार्य से हैं जिनके सामने बोलो कि शिवो हम, तो नाराज नहीं होते क्योंकि वो चाहते ही हैं कि ये हमसे एक हो जाए। इसीलिए दादा गुरु गौड़पाद बोलते हैं क्या, यदा न लियते चित्तम, चित्त का दिया बुझना नहीं चाहिए है, नचा विशिक्षप्यते पुनः, वो चंचल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना बुझना चाहिए ना चंचल होना चाहिए। फिर बोला अनिंगनम, मतलब अपने आप में भी नहीं हिलना चाहिए, अहम भी नहीं आना चाहिए, हिलना चाहिए मतलब अहम नहीं होना चाहिए। संपन्नम ब्रह्म तत् तदा, वहाँ तो चित्त की ये वो अवस्था ही ब्रह्म है, ठीक है, जो अपरमार्थदर्शी के लिए चित्त की ये अवस्था ही ब्रह्म है और परमार्थदर्शी के लिए तो ये ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, ठीक है। आदि शंकराचार्य ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अपरमार्थदर्शी का चित्त जब ऐसा होता है तब उस चित्त का नाम ही ब्रह्म हो जाता है, ठीक है, हैं? वो योगी के चित्त की स्थिति है, उसके चित्त की उपमा देते हुए कहते हैं क्या, आत्मनः योगम युञ्जतः योगिनः यत चित्तस्य योगिनः पुरुषस्य यद यतम चित्तम तस्य। ये योगी की उपमा नहीं, योगी के यत चित्त की उपमा है, यत चित्त, ठीक है, ये योगी की यत चित्त की उपमा है। यत चित्त में बहुव्रीहि समास नहीं है, योगी का यत चित्त कैसा है, शांत दीपक है, वो क्या है, नाटक दीप है, नाटक दीप, पंचदशी में नाटक दीप का वर्णन है, मंच पर दीपक प्रज्वलित हो रहा है और नटियां आती हैं, नाचती हैं, चली जाती हैं, ठीक है, नट आते हैं, अभिनय करते हैं, चले जाते हैं, मंच खाली हो गया किंतु दीपक
जब नट नटी नट नाचते अभिनय करते हैं तब भी प्रकाशित कर रहा है, और सबके सब पर्दे के भीतर चले गए तब भी वो खाली मंच को प्रकाशित करता है, इसलिए ये नाटक क्या है, दीपक है। ठीक है, ऐसा। अब 20वां श्लोक, 19वां हो गया, इसके आगे 20वां और 21वां श्लोक है। कौन सा है 20वां श्लोक? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम निरुद्धम योग सेवयाः यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जब चित्त अनात्मा से उपराम होकर निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में वो अपने द्वारा आत्म तत्व का साक्षात करते हुए अपने मन में ही संतु हो जाता है। मतलब ध्यान संसार से वैराग्य हुए बिना होता ही नहीं, और ध्यान के बिना संसार से उपरामता भी नहीं होती। जब चित्त निरुद्ध हो तभी समझो कि ठीक ठीक उपरामता हुई। यहाँ क्या है, यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ पर ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि का वर्णन किया है। इससे पहले अध्याय 4 में आपने प्राणायाम द्वारा प्राप्त करने वाली समाधि वर्णन, इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ ध्यान योग का वर्णन है। अच्छा, समाधि दो प्रकार की होती है, चलिए बता देते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, पहला हठ समाधि और दूसरी ध्यान समाधि। हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है, कुछ नहीं है, उसमें निर्विकल्प अवस्था नहीं होती। हठ समाधि में निर्विकल्प अवस्था प्राप्त कर नहीं होती है, तथा उससे शांति आदि दिव्य गुण उत्पन्न नहीं होते। समाधि से उत्थान होने पर वह योगी एक साधारण पुरुष के समान होता है, परंतु ध्यान समाधि में चित्त संकल्प शून्य हो जाता है और उत्थान होने पर भी वह दिव्य गुण संपन्न देखा जाता है। दीर्घकालीन हठ समाधि की अपेक्षा भी क्षण भर की ध्यान समाधि का महत्व सैकड़ों गुना बढ़कर है। हठ योग का मुख्य लक्ष्य वीर की पुष्टि है। मुख्य लक्ष्य क्या? वीर की पुष्टि। इस समय हठ योग द्वारा पूर्णता पाना कठिन है आजकल के समय में, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हठ योग का मार्ग भ्रमपूर्ण है। लेकिन अभी हठ योगी इस प्रकार नहीं होते। हठ योगी के विपरीत परिणाम क्या हो सकते हैं? हठयोगी में विपरीत परिणाम है आजकल के, क्या है? हठयोगी का वीर शुद्ध होना चाहिए, इस समय इसका प्राय अभाव देखा हमने, तो अभाव देखा, लोग नहीं मिलते ऐसे। दूसरा, हठयोगी के अभ्यास को सहन करने योग्य बल नहीं है आजकल के लोगों में। तीसरा, सिद्ध हठयोगी गुरु मिलना बड़ा दुर्गम है। हठयोगियों में काम क्रोध आदि और चंचलता गृहस्थों से भी अधिक देखी है। ध्यान समाधि वालों में शांति होती है और उनके काम क्रोध भी शांत हो जाते हैं। इसके सिवा ध्यान और वैराग्य कमी के कारण आधुनिक हठयोगी प्रायः अर्थ लोलुप और चंचल प्रकृति के देखे जाते हैं। उनके जाल में फंसकर मैंने बहुत से साधुओं के जीवन नष्ट होते देखे हैं। इसलिए मेरा विचार है कि अपने कल्याण की इच्छा वालों को इस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, कहाँ हठयोग की तरफ। मेरा अनुभव है कि सिद्धासन और सांभवी मुद्रा के द्वारा राजयोग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ये मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। ठीक है, अब एक और दृष्टिकोण हो सकता है, उससे समाधि के तीन भेद हो सकते हैं। पहला कार्य समाधि, दूसरा कारण समाधि और तीसरा शुद्ध समाधि। कार्य समाधि सगुणोपासक की होती है, ठीक, भक्त मार्गी कार्य समाधि, और कारण समाधि निर्गुणोपासक की होती है, है? लेकिन जो शुद्ध समाधि वो ज्ञाननिष्ठ की होती है। इसके सिवा ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि और भाव समाधि, ये तीन भेद भी हो सकते हैं। अपनी अपनी धारणा के अनुसार समाधियों के अनेकों भेद हो सकते हैं। ज्ञान समाधि एक ही बार होती है और सर्वदा रहती है, ये समझना है। योग समाधि बार बार होती है, ठीक है, लेकिन जो ज्ञान समाधि एक ही बार होती है। यहाँ महावाक्य जन्य वृत्ति, और महावाक्य मतलब तत्वमसी अम ब्रह्मास आदमी जो वाक्य है, वृत्ति महावाक्य जन्य जो वृत्ति को ही ज्ञान समाधि कहा है, क्योंकि इस वृत्ति से पुनः उत्थान नहीं होता। दसमस्तमसी इस वाक्य के द्वारा जब निश्चय हो गया कि मैं दसवां हूँ, तब इसे उत्थान अन्यथा ज्ञान कैसे होगा। इसलिए जिसे तत्व ज्ञान हो गया
उसको फिर कोई अन्य कर्तव्य योगी समाधि रहता है, इसके लिए उपासक है, उसकी दृष्टि में दृश्य की सत्ता रहती है, वो दृश्य को सत्य मानता और बोधवान दृश्य को सत्ता सोने देता है। योगी और ज्ञानी की समाधियों में यही अंतर है कि दृष्टा में स्थिति तो दोनों की होती है, परंतु उत्थान होने पर योगी अपनी सृष्टि को सत्य मानता है और ज्ञानी उसे सत्ता सुन या स्वस्वरूप अनुभव करता है, क्योंकि क्या है बोला, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, अर्थात देहाभिमान के निवृत्त होने पर जिसने आत्मतत्व को भले प्रकार जान लिया, उसका मन जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधियों का अनुभव होता है। इसी के कहा जाता है कि बोधवृत्ति एक बार उदित हो गई फिर नष्ट नहीं होती, बस उसी को जागृत रखना चाहिए हमेशा, यही कर्तव्य है, कर्तव्य, और उसी से सहन शक्ति भी आती है। ठीक है, समाधि, अच्छा प्रश्न हो सकता है कि समाधि में चित्त निरुद्ध रहता है, फिर जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि ऐसा कैसे हो सकता है ना, अभी हमने श्लोक पढ़ा था, ये कैसे कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि कैसे है, इसका उत्तर है कि तत्वज्ञ की दृष्टि में मन, मन का व्यापार और इन दोनों का अनुभव करने वाला, ये तीनों तत्वता एक ही हैं, इसलिए इसे समाधि कहा गया है। ऐसे महापुरुष को विक्षेप की सामग्री रहने पर भी विक्षेप नहीं होता, वो संपूर्ण प्रपंच को देखते हुए भी नहीं देखता, अथवा बोध होने पर उसे पूर्ण शांति हो जाती है, क्योंकि उसे स्वरूप से भिन्न और कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो प्रत्येक स्थिति में समाधिस्थ ही है। ज्ञानी की समाधि और उत्थान दोनों स्थितियों में प्रपंच का अत्यंता भाव जान पड़ता है, किंतु योगी तो दृश्य को सत्य मानता है, इसलिए समाधि में अभाव हो जाने पर भी व्युत्थान में उसे प्रपंच सत्य ही जान पड़ता है। अच्छा, समाधि और गाढ़ी निद्रा में क्या अंतर हो सकता है, अंतर है, अरे उत्तर क्या है इसका, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। समाधि सत्वगुण की अंतिम अवस्था है और सुसुप्ति तमोगुण की पराकाष्ठा है। समाधि को हम हजारों वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, किंतु सुसुप्ति इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती। सुसुप्ति में जीव माया के वश में रहता है और समाधि में माया जीव के वश में रहती, जिस ठीक है, मतलब माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या रूप से माया ईश्वर के अधीन रहती है और अविद्या रूप से जीव को ही अपने अधीन कर लेती है। प्राण सहित प्रपंच का अभाव समाधि है और प्राणातिरिक्त प्रपंच का अभाव सुसुप्ति है। प्राण और मन दोनों का लय हो जाना समाधि है तथा केवल मन का लय होना सुसुप्ति है। सुसुप्ति में ध्येय विस्मृत हो जाता है और समाधि में ध्येय वृत्ति में लीन हो जाती है। ठीक है, वृत्ति जो है समाधि में क्या होती है, ध्येय में लीन हो जाती है और सुसुप्ति में ध्येय विस्मृत होता है, मतलब भूल जाता है। सुसुप्ति में अज्ञान रहता है और समाधि में ज्ञान की स्थिति मानी गई है। ठीक है, सुसुप्ति में ना अपने को जानता है ना अन्य को, किंतु समाधि में अपने को तो जानता है किंतु अन्य को नहीं जानता है। अच्छा, सविकल्प, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं कि सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में क्या अंतर है। ध्येय पदार्थ गायब हो जाए, उड़ जाए और केवल आनंद ही आनंद का अनुभव हो, ये सविकल्प समाधि है। और आनंद का भी जब त्याग होकर केवल आत्मस्थिति हो तो उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, परंतु अभी बोध नहीं हुआ क्योंकि ये आत्मस्थिति है, ब्रह्म स्थिति नहीं। आप कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि निर्विकल समाधि होने पर भी बोध नहीं होता, किंतु कोई कोई तो निर्विकल समाधि को ही बोध मानते हैं, क्या ये बात ठीक नहीं है? इसका उत्तर है, मैं कहता हूँ यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थान को अज्ञान मानना पड़ेगा। और यदि फिर ऐसे ज्ञान से क्या लाभ हुआ, वास्तव में बोध का समाधि से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता निर्विकल्प स्वरूप स्वरूपात्मा सविकल्प विवर्जिता। ठीक है, विवर्जित सदा सवान शून्यता आदि मध्यंतर वर्जिता, मतलब ये आत्म तत्व निर्विकल्प स्वरूप है, सविकल्प शून्य है, समाधि शून्य है और आदि मध्यांतर रहित है, जिस समाधि के लिए लोग मर जाते हैं, बोधवान की दृष्टि वो मध्य मरु की मरीचिका के समान है। ठीक है, ये भी नियम नहीं कि समाधि बोधवान को ही हो, क्योंकि समाधि कर्ता के आदमी और बोध वस्तुतंत्र समाधि तो चित्त की एक अवस्था है और बोध जो है अवस्थातीत है।
ज्ञान होने पर तथा विक्षेप होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न। तो ज्ञान तो अज्ञान का विरोधी है, विक्षेप का विरोधी नहीं है। ज्ञान होने पर चित्त का बाध तो हो जाता है परंतु प्रतीति रहती है, ठीक है। प्रतीति की निवृत्ति ज्ञानाभ्यास से होती है, अतः बोध होने पर भी चित्त की शांति के लिए ज्ञानाभ्यास करने की आवश्यकता है। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं, प्रश्न ये है कि निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान नहीं होता, क्या ये बात ठीक है? इसका उत्तर ये हम दे रहे हैं कि तत्वज्ञान और निर्विकल्प समाधि का कोई संबंध नहीं है। अजीब बात है ना, तत्वज्ञान और निर्विकल्प समाधि का कोई संबंध नहीं है। दृश्य की प्रतीति रहते हुए भी उसे सत्ता शून्य अनुभव करना ही ज्ञान है तथा प्रतीति ना रहे इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। समाधि अत्यंत सुखमयी अवस्था है और तत्वज्ञान में सुख दुख दोनों की सत्ता नहीं है। समाधि से उत्थान होने पर विक्षेप होता है किंतु तत्वज्ञान होने पर पुनः ज्ञान नहीं होता, अतः समाधि और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा समझो, यानी अब आगे कौन सा श्लोक है? एक मिनट, आगे 20 श्लोक हो गया था, 21वां श्लोक है, 21वां श्लोक क्या है? 21वां श्लोक है, सुखम आत्यांतिकम यत तद बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम वेत यत्र नाचैवाहम स्थितश्चलति तत्त्वतः तत्वतः। मतलब उस समय वह उस अत्यंतिक सुख का अनुभव करता है जो सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह होता है और इंद्रियों से परे है तथा जिसमें स्थित होने पर वो स्वरूप से विचलित नहीं होता, वो स्वरूप से विचलित नहीं होता, ऐसा समझो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अत्यंतिक सुख जो सुख विषय सुख से विलक्षण है अथवा जो सुख दुख दोनों को त्याग कर चिन्मात्र रूप से स्थित होने से मिलता है, जिस सुख को योग में स्थित हुआ पुरुष इस रूप में अनुभव करता है कि इंद्रिय ग्राह नहीं अब तो शुद्ध बुद्धि ग्राह है, ठीक है। अभी अध्याय 3 में श्लोक 42 में उसे बोला गया योम बुद्धे परतस्त उत्साह कहकर बुद्धि से अतीत बतला है और यहाँ उसे बुद्धि ग्राह कहा गया था। वहाँ व्यवहारिक बुद्धि समझना चाहिए और यहाँ शुद्ध बुद्धि। इस प्रकार जो व्यवहारिक बुद्धि से अतीत है वही शुद्ध बुद्धि से ग्राह है। यहाँ अभ्यास का प्रकरण है इसलिए जो निर्विकल्प समाधि का सुख है उसी को बुद्धि ग्राह कहा गया, ठीक है। जिस सुख की सुख को बुद्धि और इंद्रियाँ दोनों ग्रहण करे वो विषय जनित सुख होता है। यहाँ अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया इसलिए यह विषय सुख नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, यानी मतलब जो वो ऐसा विषय सुख नहीं हो सकता, यानी क्या है? अच्छा, केवल जितने भी दर्शन हैं दर्शनों में गीता के योग में क्या अंतर? अच्छा, योग दर्शन का योग गीता के योग में बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है। और केवल वेदांत दर्शन ही यथार्थ का निरूपक और सब दर्शन अपने अपने विषय के निरूपक, लेकिन अपने अपने विषय का निरूपण करना ये बात दूसरी है। वो ऐसा है कि हमारी दुकान पर आओ, हमारी दुकान पर आओ, ऐसा नहीं है, है ना, अपनी अपनी दुकान पर आओ, नहीं जाने। उसके लिए उनके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन गीता कहती है कि योग सेवन से चित्त उपराम हो जाता है। उपरमते, उपरमते इसलिए बोला उन्होंने, ऊपर मते, क्या ऊपर मते बोला है, फिर अपने अपने आपको देखता हुआ अपने में संतुष्ट होता है, आत्मनि तुष्टति है, आत्मनि तुष्टति का अर्थ। चलिए इसमें दो और श्लोक ले लेते हैं ना अभी, उसके बाद एक साथ ही बताते हैं क्योंकि वो वैसे ही है। दो श्लोक कौन कौन से हैं, दो श्लोक और ले लेते हैं, कौन से आत्मान अभी कौन से चल रहा था, 21वां, 22 और 23 और ले लेते हैं, 22वां श्लोक। क्या है 22वां श्लोक है, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, ठीक है। 22वां श्लोक इसमें क्या है, उस निर्तिश लाभ के प्राप्त होने पर जिज्ञासु
उससे बढ़कर कोई और सुख नहीं मानता तथा जिसमें स्थित होने पर बहुत बड़े दुख से भी अपनी या अपने निष्ठा से विचलित नहीं होता। मतलब आत्मा की प्राप्ति होने पर योग सिद्धि या ब्रह्म लोकादि भी उससे अधिक नहीं जान पड़ते। आत्मानंद में स्थित होने पर बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर वो घबराता नहीं, क्योंकि वो सभी को तुच्छ या माइक अथवा अपना स्वरूप देखता है। बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा स्वरूप स्थिति कब समझनी जाएगी, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। इसका उत्तर है जिस समय संकल्प होते ही स्वरूप की स्मृति हो जाए। ठीक है, जो ऐसे लक्षण से संपन्न है वही वास्तव में योगी। यहाँ बोध का प्रसंग है। योगी समाधिस्थ होने पर दुख से चलायमान नहीं होता, परंतु बोधवान समाधि ना होने पर भी अडिग रहता है, क्योंकि उसकी विवेकवती वृत्ति निरंतर जागती रहती है। इसलिए सुख दुख उसे चलायमान नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुख दुख उसे चलायमान नहीं कर सकते। इसीलिए आगे 23वें श्लोक में क्या बोला है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम सह निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनि अनिविर्ण्य चेतसः। मतलब दुख संयोग से शून्य उस स्थिति को तुम योग नाम से जानो, योग नाम वाली जानो। ऐसे योग का अनिविर्ण मतलब बिना उकताए हुए, अनिविर्ण माने बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय ही अनुष्ठान करना चाहिए। मतलब संसारी विषयों के साथ जो संयोग है वह योग नहीं, क्योंकि वो परिणाम में दुख रूप ही है। जैसा कहा है, यत सुखम साधनाहीनम तत् सुखम दुखमेव इव दुख में वही है। मतलब अर्थात जो सुख किसी सामग्री के अधीन है वो दुख ही है। दुख शब्द से यहाँ संसारी सुख और दुख दोनों ही समझने चाहिए। सुख भी है इसमें, जिसे ये सुख दुख प्रभावित नहीं करते वही योगी है। विषाद रूप दोष से युक्त चित्त ही निर्विण निर्विण कहा जाता है। 6 महीने अभ्यास किया किंतु कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो छोड़ दिया, यही निर्विण चित्त है, ये ठीक नहीं है। अतः योग अनिर्विण चित्त से करना चाहिए, भले ही अनेकों जन्म बीत जाए। कभी तो भगवान सुनेंगे, बस लगा रहे अर्थात सफलता मिलने तक पर तक अभ्यास नहीं छोड़े। जहाँ सुख दुख का वियोग हो जाता है वही वास्तविक योग है, अर्थात आत्मबोध ही वास्तविक योग है। उस योग का निश्चय पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। गुरुदेव ने जो लक्ष्य निश्चित किया उससे कभी हटे नहीं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक सांख्य योग का अभ्यास है, यहाँ तक इतना। ये जितने भी ये चीज़ें हैं ये सब सांख्य योग का अभ्यास है ना, नहीं है। अब लेकिन अब ये ऐसा है कि अब जो भी अलग अलग हैं, लेकिन गीता कहती है कि योग के योग सेवन से चित्त निरुद्ध होकर उपराम हो जाता, ऊपर मते फिर अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने में संतुष्ट होता, आत्मनि तुष्यति। ठीक है, का अर्थ है, ठीक है, कि वो भोजन वनितादि में संतुष्ट नहीं होता। आत्मना तुष्यति का अर्थ है कि वो नेत्र श्रोत्रादि करणों के द्वारा भोग करके संतुष्ट नहीं होता। अरे आत्मानम पश्यन का अर्थ है कि दूसरों को देखकर संतुष्ट नहीं होता। ठीक, परम पश्यन न तुष्यति, वो तो अपने आप में अपने आप से अपने आप को देखकर परमानंद में मग्न है। ठीक है, नहीं, अपने आप में अपने आप से परमानंद में मग्न है, नहीं है। सुखम आत्यांतिकम, सुखम आत्यांतिकम अभाव सुख की बात करें, गीता में सुख का विवेचन बड़ा प्रबल है। गीता में भाव शुद्धि मना प्रसाद मौन और ब्रह्मचर्य को भी तामस बना दिया गया है। आपके ध्यान में ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तीन तरह का होता है। तपस्तस त्रिविधम 17वां अध्याय का 17वां श्लोक, तपस तीन प्रकार का होता, द्वैज द्विज गुरु प्राज्ञ। ठीक है, नहीं पता है ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक कि पूजा भी सात्विक राजस और तामस होती है। लिखा अनुद्वैग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम या यच्चायत। 17वें अध्याय 15वां श्लोक, वाणी भी सात्विक राजस तामस होती कि नहीं होती है। और 17वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या है, मनः प्रसादा सौमित्यम
मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि भी सात्विक राजस्तमस हो गई। ये अपूर्व है गीता की, ये अपूर्व बात है गीता में, नहीं तो लोग भाव संशुद्धि करके मना प्रसाद करके मर जाएं। गीता ने कहा कि यदि श्रद्धाहीन भाव संशुद्धि है तो राजस होगी, और दुराचार से युक्त भाव शुद्धि हो तो तामस होगी। भाव शुद्धि के नाम पर मत मरो, उसका विवेक करो भाई। गीता भगवान की वाणी है ना, सत्य है। निद्रा आलस्य प्रमाद का जो सुख है वो तामस है, सुख भी तामस होता है पर वो बुद्धि ग्राह नहीं होता, ठीक है, निर्बुद्धि ग्राह होता है। जहाँ सुख बुद्धि ग्राह होता है सुख तामस नहीं होगा, जहाँ विष इंद्रिय संयोग से होगा वहाँ सुख तो होगा, ठीक है, इसलिए वो राजस हो जाएगा। ठीक है। अब गीता के श्लोक एक दिया हुआ है, 18वें अध्याय का क्या है, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है, अभ्यास से सुख जो सुख होता है उसमें मत रमना, ये तो साध्य सुख है, तामसिक सुख है, जो जन्य सुख होता है वो अनित्य होता है। उसे पढ़कर एक इसको बहुत लोग तो नाराज हो जाते हैं कि हमारा अभ्यास से क्यों नहीं सुख मिलेगा, हैं अगर हम अभ्यास करते हैं क्यों नहीं सुख मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है सुख आत्यांतिक होना चाहिए ना, माने काल परछिन्न नहीं होता, बुद्धि ग्राह होता है, माने देश परछिन्न नहीं होता, जहाँ बुद्धि है वहाँ वो समझदारी के साथ रहता है, देश परछिन्न नहीं होता, तामसिक नहीं होता, वो अतीन्द्रिय होता है, वो विषय परछिन्न नहीं है, और राजस भी नहीं होता। शब्द राजस सुख की राजसत्ता का निवारण करता है, विषेन्द्रीय संयोग का भी निवारण करता है। अतीन्द्रिय माने निर्विषय और आत्यांतिक माने अभ्यास जन्य नहीं, ठीक है, वो तो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है, अत्यंतिक काल पर छिन्न नहीं, अभ्यास जन नहीं है। बुद्धि ग्राह का अर्थ है कि बुद्धि प्रसाद प्रसादज अथवा बुद्धि प्रसाद जन्य नहीं, इसलिए तामस नहीं, देश पर छिन्न नहीं और अज्ञात नहीं। अज्ञात होगा तब तो मार ही डालेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो कोई भी चीज जहाँ अज्ञात होती है, जहाँ हमको ज्ञान अज्ञानाश्रय बना देती है, वस्तु होती अज्ञात और हम होते हैं अज्ञानी, ठीक है, ये जितनी अज्ञात वस्तुएं हैं सृष्टि में वे निरंतर अज्ञानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान को हो जाने पर न कोई वस्तु अज्ञात रहेगी और न हम अज्ञानी रहेंगे। इसीलिए मुंडको उपनिषद में प्रतिज्ञा है, कस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञा सर्विदम विज्ञातम भवति, और उपनिषद प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी ना, ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम सुख छोड़कर चले आए, ठीक है। इसलिए सुख तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम छोड़ न सकें और जो हमको न छोड़ सके, ऐसा तभी होगा जब आत्म सुख रूप होगा, आत्म रूप सुख होगा तभी होगा, वो सब जगह रहेगा और सब में रहेगा, जो अनायास रहेगा ज्ञात रहेगा वही तो सच्चा सुख होगा कि नहीं होगा, है गीता में का गीत। अब देखो ना, गीता का निरतिशय सुख क्या है, यही है कि इससे बड़ा और सुख नहीं है। या यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, है 22वां श्लोक है ना, मतलब यहाँ माफ करें योगी लोग, उनके जो योग दर्शन में योगी लोग माफ कर दे भाई, क्योंकि उनके योग में जो आनंद है वो केवल संप्रगात समाधि में है, जो तीसरी कक्षा की अनानंदुगत समाधि है वहीं तक चलता है, न विवेक ख्याति में है, न निर्विकल्प में है, न निर्बीज में है, क्योंकि यदि आनंद की अनुभूति होगी तो भोक्ता और भोग्य का भाव बन जाएगा और आत्मा जो है दृश्य मात्र जो द्रग मात्र नहीं रहेगा, ठीक है, दृष्टा नहीं रहेगा, संग हो जाएगा ना। अगर आनंद की अच्छा अनुभूति हो गई, आज ही हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, ठीक है, उसमें दिया है कि अगर आनंद की अनुभूति होगी तो भोक्ता और भोग्य का भाव बन जाएगा, आत्मा क्या होगा, दृष्टा नहीं रहेगा, असंग नहीं रहेगा, फिर योग दर्शन में आनंद की सुख की क्या भूमिका है। अरे भाई है कि नहीं, सीधा सवाल, योग दर्शन के अनुसार सुख अपनी भूमिका का निर्वाह कहाँ करता, असंप्रगात निर्विकल समाधि में, या असंप्रगात निर्बीज समाधि में, या विवेक ख्याति में, या अस्मिता अनुगत समाधि में, वहाँ आनंद तो अपना पार्ट अदा करता है, उस समय जब हमारे करण विषयहीन होकर जागृत रहते हैं, इसी का नाम आनंदा अनुगत समाधि है, हमारे सब करण संप्रसन्न हो परंतु बिना विषय के, वो भी सुख क्या हुआ,
वो कोई भोग सुख थोड़े, वहां तो केवल कर्णों की संप्रसन्नता को ही आनंदानुगत समाधि बोलते हैं। मैं ये बात बिल्कुल योग दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ, परंतु गीता में जो सुख ही सुख है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुखम अस्नते, मतलब ये है नाम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग सूत्र का योग सूत्र अध्याय तीसरा श्लोक क्या, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम में, ठीक। अच्छा, योग दर्शन के ईश्वर में आनंद है कि नहीं? यदि है तो उसमें बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? वे ये बोलते हैं कि क्लेश से अपरामृष्ट है ईश्वर, परंतु वो परमानंद स्वरूप ये नहीं बोलते। वो अपरामृष्ट ही क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ है कि जब ईश्वर में आनंद होगा तब भोक्ता और भोग्य भाव बनेगा, शुद्ध दृष्टा और असंगता ये बात बन ही नहीं सकेगी। इसलिए हमारा जो प्रतिपाद्य है भैया, वो योग दर्शन नहीं है, इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। यस्मिन् अत्यांतिके बुद्धिग्राहे अतीन्द्रिय वेदनायुते सुखे स्थिता गुरुणापि दुखेन न विचालते, अर्थात बड़े से बड़ा दुख आवे तो भी वो विचलित नहीं करेगा, फिर वो छोटे मोटे दुखों की बात ही क्या है। गुरुणापि, इसका अर्थ है बृहस्पति नापि भी है। बृहस्पति जी महाराज देवताओं के गुरु हैं, हैं वे अपने सब चेलों को, माने इंद्र को, चंद्र को, वरुण को और कुबेर आदि को इकट्ठा करके कहते आओ इसको दुखी करो। फिर इंद्र कहें कि नहीं, कि हम मन ही नहीं उठने देंगे। सूर्य कहें कि हम आंखें ही नहीं चलने देंगे ना, नहीं। फिर क्या होगा? इसका देवताओं की सारी सेना दुख लेने लग जाए अगर आपको, तब भी वे गीता के योगी को विचलित नहीं कर सकेंगे। अंत में गुरु बृहस्पति स्वयं आकर कहें, अरे भाई तुम अपने को जो सुखी मान के बैठे हो, सुख स्वरूप मान के बैठे हो, ये ठीक नहीं। अगर ऐसा अभिमान करोगे तो तुमको शाप ही दे देंगे। लेकिन गीता के योगी कहेगा, भैया महाराज आप शाप देना चाहें तो भले ही दे दो, हमको जो अनुभव होता है वो तो होगा ही। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बोला है, क्या लिखा है, नहीं श्रुति शतमपि घटम पटई तुम इष्टे। इसका अर्थ है यदि 1000 वेद मंत्र भी बोले कि ये घड़ा नहीं कपड़ा है, तो घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। यहाँ यथार्थ अनुभव है भाई, वहाँ वेद मंत्र भी विचलित नहीं कर सकते। अच्छा, यदि हमारे अनुभव के अनुकूल ना होकर बात करें तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यहाँ गीता एक और गोली चला देती है, क्या योगाभ्यास दुख को मिटा देता? बोले नहीं। ये जो कहा कि यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणा पे विचार लेते, इससे सिद्ध होता है कि यदि दुख होता ही नहीं, यदि दुख आता ही नहीं तो उससे विचलित होने का सवाल कहाँ से उठता है। इसलिए योगी के जीवन में विशेषता ये है कि विचलित नहीं होता। दुख का अभान योग का लक्षण नहीं है। दुख का भान हुए भी उससे विचलित न होना योग का लक्षण है। दुखान उत्पाद योग का लक्षण नहीं है। ये नहीं कि मकान में, कुटिया में कभी आग नहीं लगेगी या कभी कमंडल फूटेगा नहीं। ये नहीं कि रोज रोटी मिलेगी, ये भी नहीं, या भूखे रहोगे। अरे भाई ये सब होगा, लेकिन इस ये सब होने पर भी योगी विचलित नहीं होगा, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसमें जो दुख संयोग वियोग संगीतम है, इस पर हम आपका ध्यान जानबूझकर खींच रहे हैं, हैं? क्या दुख के संयोग, दुख के वियोग का नाम योग है? दुख का वियोग ही हो जाए, माने दुख कहीं परदेश चला जाए, दुख को उठाकर फेंक दिया जाए, वो तो कुछ अमेरिका चला जाए, दुख यूरोप चला जाए, इसका नाम योग नहीं है। नहीं, दुख वियोग का नाम योग नहीं है, दुख के संयोग के वियोग का नाम हो गया। समझ में आया? दुख हो पर उसके संयोग का वियोग हो, माने वो अपने साथ चिपके नहीं। जन्म मरण हो, धन हरण भी हो, हैं, भवन मकान भी टूट जाए, मान लो गिर जाए, तो भी जो होना होता रहे लेकिन वो हमारे साथ ना लगे, ऐसी कोशिश मत करो, ठीक है, कि ताल में झोंक कि कुछ भी ना रहे, बल्कि इसी तरह की दवा लो जिससे तुम्हारे शरीर में कुछ ना हो। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या मतलब? जो इसको मिटाने की कोशिश ना करो, जो मरने मरने दो, बिछड़ते बिछड़ने दो, जो छूटते छूटने दो, इस बात का ध्यान रखो कहीं दुख अपने साथ ना चिपके, ठीक है। अपने को सब चिपकने वालों से बचा लेना ही योग का काम है, दुख को मिटा देना योग का काम नहीं है। समझ में आया? दुख को नहीं मिटाना है, दुख चिपके नहीं,
ठीक है। एक स्त्री का बच्चा मर गया तो कोई जिला दे तो वो उसको लिए रहती थी, मर गया बच्चा, फिर भी लोगों ने कहा ये पागल हो गई है। फिर लोगों को मजाक सूझा, बोले जाओ महात्मा बुद्ध जी के पास जाओ, अच्छा बड़े बड़े महात्मा हैं, जिंदा कर देंगे तुम्हारे। वो स्त्री गई, बच्चे मरे हुए बच्चे एक महीने से लिए हुई थी, 15 दिन से, ठीक है। बुद्ध के बोली बाबा हमारे बच्चों को जिंदा कर। बुद्ध ने कहा माई मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाकर दो जिसके खानदान में कोई मरा ना हो। अब वो स्त्री गई सरसों ढूंढने, लेकिन सरसों नहीं मिली। इसी तरह यदि तुम चाहते हो कि हमारा कोई मरे ही नहीं तब तो हम सुखी होंगे, तो ये तुम्हारी चाह ठीक नहीं। अरे मरने दो, मरने का दुख तुम्हारे भीतर ना व्यापे, ठीक है। अपने दिल को शाक प्रूफ कर दो, शोक प्रूफ बनाओ, शोक प्रूफ बनाओ। इसलिए गीता कहती योग संयोग वियोगम, संयोग वियोगम योग संगीतम, संयोग के वियोग का नाम योग है। इससे योग की परिभाषा ही अलग हो गई। पढ़ते रहो चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा, किंतु जरा गीता भी तो पढ़ लो, हैं। इसमें योग, योग किसकी संज्ञा, योगा कर्म सुकौशलम समत्तम योग चुते वियोगम योग संगीतम, ये योग की परिभाषा है, ठीक है। ऐसा अब इसको, इसके आगे इसका भी योग का थोड़ा और बता देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे थोड़ा योग के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जिससे आपके सारे जितने भी शंकाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। गीता का योग और पतंजलि योग दर्शन या अन्य योग, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।